दोस्तों एप्पल ने आज अपना आईफोन 7 और 7 प्लस लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपसे इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में कब होगी, कैसे होगी और इसके स्टोरेज वेरिएंट क्या है, कलर्स वगैरह के और भी इसके बारे में बातें आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं हूं सुमित डे रॉय, आप सबके टेक रिव्यू में स्वागत है। दोस्तों इस बार एप्पल ने अपना जो आईफोन 7 है वो उसके दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जो कि पहला है इसमें से आईफोन 7 और दूसरा आईफोन 7 प्लस। और जो आईफोन 7 प्लस की कुछ खास बातें हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ड्यूअल रियर कैमरा, जी हाँ। और इसी के साथ इन्होंने एक नया कलर भी लॉन्च किया है इसी का, जेट ब्लैक, जो कि आपको आईफोन 7 में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इसके कैमरे की बात करें आईफोन 7 प्लस की, इसमें आपको ड्यूअल कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का, जिसमें से दूसरा कैमरा जो है वो है टेलीफोटो कैमरा। और इसके आपको अगर अपर्चर की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 1.8 का अपर्चर मिलेगा कैमरा का, और जो टेलीफोटो कैमरा है उसमें आपको मिल जाएगा 2.8 का अपर्चर मिल जाएगा, f2.8। और इसी के साथ जो आईफोन 7 है उसमें आपको नॉर्मल आईफोन की तरह सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा, वो भी 12 मेगापिक्सल का। और इन दोनों फोन्स में आपको सेम सेल्फी के लिए कैमरा मिलेगा 7 मेगापिक्सल का, जिसमें आपकी ऑप्टिकल जूम जो होगा वो 2x तक का कर सकते हैं, और जो डिजिटल जूम होगा वो ऑब्वियसली 10x तक का आप कर सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने इसमें नया और लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि आईफोन की तरफ से आता है, एप्पल की तरफ से आता है, A10 फ्यूजन चिप नाम से इन्होंने इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 64-bit प्रोसेसर है। और इसमें आपको 4 कोर मिलेंगे, जी हाँ 4 कोर इस बार आईफोन 7 में आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इन्होंने इस बार इस स्मार्टफोन में आपको, मतलब कि आईफोन 7 में आपको 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जी हाँ। इसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट में ही अडाप्टर लगा के यूज़ करना पड़ेगा आपको 3.5mm जैक। इसके लिए इन्होंने एक नया एयरपॉड्स भी लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है एयरपॉड्स, जो कि जल्दी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। और इसी के साथ अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले अलग अलग मिलता है। आईफोन 7 में आपको मिलेगा 4.7 इंच का डिस्प्ले, और इसी के साथ हम आईफोन 7 प्लस की बात करें तो इसमें आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। और इन दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरे हैं वो 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पे। और इसी के साथ अगर हम इनके कलर्स की बात करें तो इसमें रोज गोल्ड मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, सिल्वर मिलेगा, और एक नया कलर जो आया वो है जेट ब्लैक। और डिजाइन की अगर हम बात करें तो पिछले आईफोन की तरह ही कुछ ये दिखने हैं, मगर इस बार थोड़ा अलग है। और इसकी जो होम बटन है वो भी कुछ अलग ही है, थोड़ी अलग ही है, डिज़ाइन तो खैर सेम ही है लगभग, मगर इसकी जो होम बटन है वो कुछ अलग ही तरह की है। इसमें आपको जो टच है उसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, यानी कि आपको इसमें इस बार भी होम बटन पे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। और इसी के साथ जो इसके कैमरे है उसमें स्पेशलिटी भी है कुछ, इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाएगा। स्टोरेज वेरियंट में इस बार आईफोन ने 16GB और 64GB फर्स्ट टाइम हटा दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आईफोन ने अपना 16GB और 64GB के वेरिएंट बिल्कुल ही हटा दिए हैं। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है जो 7 प्लस की बैटरी वो 1 घंटे ज़्यादा एफिशिएंट है, चल सकती है 6S प्लस से, और जो आईफोन 7 की है वो 2 घंटे तक ज़्यादा चल सकती है 6S के कंपैरिजन, अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें 6S का दोस्तों। और प्राइस के तो अभी इसके इंडिया में कुछ अवेलेबिलिटी नहीं दी गई है, और प्राइस के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज अभी तक नहीं है। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ 7 अक्टूबर को आपको ये इंडिया में मिल जाएगा। और अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आप प्री ऑर्डर आप कर सकते हैं 9 सितंबर से, और ये आपका अवेलेबल हो जाएगा 16 सितंबर को। जो एक स्पेशल और है, स्टीरियो स्पीकर इस बार आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो में पसंद आया होगा। आईफोन 7 और 7 प्लस के ऊपर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अवेलेबिलिटी क्या होगी इस वीडियो में हमने आपसे चीज़ें शेयर की हैं। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ सुमित डेरा, टेक केयर फॉर यू।